बस यही उम्मीद थी आपसे। हेलो, लगे रहो। आज करूंगा नीलकंठ महादेव की पूजा। तो भाई यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है और अभी रास्ते में रुक के ही यहाँ पे आए हम। काफी अच्छा नजारा है, पानी का बहाव काफी तेज है। यही उम्मीद थी आपसे। लगे रहो। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी हम हैं ऋषिकेश में और निकल रहे हैं श्री नीलकंठ महादेव मंदिर के लिए। 23 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो चलिए फिर चलते हैं। तो भाई 10 किलोमीटर चलने के बाद अभी हमें एक राइड लेना पड़ेगा नीलकंठ दुगट्टा, नीलकंठ मार्ग, नीलकंठ 17। और फोटो लेन का नजारा लग गया यार, जगह ना साइड पे। अरे आगे घना है मौका मिले शाओ को, सारे चल लेगी सड़क तो बिल्कुल। नहीं देख गई नीचे खलने की नहीं होगा, बड़ा खाओगे कुछ। अरे नीचे चलना, नीचे चलो कि दस्यान किस दिमाग में खाओगे आराम से। आज करूंगा नीलकंठ महादेव की पूजा। Yeah.
रवि नाल लेना। सीधा यहाँ जा रहे हैं भाई, किसी का वेट नहीं है रुकने का। नीलकंठ से वापस आके अभी रास्ते में एक जगह मिली है नीचे उतरने की, गंगा नदी किनारे जा रहे हैं अभी। शेर आज शेर है ही नहीं, शेर आएगा कहाँ से? अरे गलती से आएगा, गलती से आएगा तो फिर तेरी किस्मत। पहाड़ों के बीच से बह रही है गंगा नदी और बहाव बहुत तेज है। पहाड़ों से पानी आ रहा है इसके। नदी है, पानी कम है। पानी को मतलब इतना बाकी इतना पानी बहुत कम अगर इधर कभी आओ तो भाई अपने आराम से चलो, पत्थर स्लिपरी है बहुत ही ज्यादा। पत्थर बहुत ज्यादा स्लिप हो रहे हैं, पत्थर नहीं शूज। ये बजरी है, पत्थर का चौड़ा ही है सारा। बजरी है, कर ले बेली कर ले, घर ना ले चलना है। बिल्कुल रिवर राफ्टिंग भी चालू है अभी, अगर करना चाहो तो अभी कर सकते, लेकिन हम नहीं करेंगे भाई, ठंड बहुत ज्यादा है। कभी दोबारा आएंगे करने के लिए फिर से। तो भाई यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है और अभी रास्ते में रुक के ही यहाँ पे आए हम, काफी अच्छा नजारा है, पानी का बहाव काफी तेज है। यार पत्थर नहीं लग सका, बोरे इसी जगह पर लटका दिया।
तो भाई आप देख सकते हैं साफ सफाई बहुत अच्छी तरह से की हुई है नदी के किनारे। सामने दिखाई दे रहा है जानकी सेतु ब्रिज और अभी हम जाने वाले हैं उसी के ऊपर। अगर बात की जाए जानकी सेतु ब्रिज की तो ये ऋषिकेश का तीसरा सस्पेंशन ब्रिज है राम झूला और लक्ष्मण झूला के बाद, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो तकरीबन 300-350 मीटर के समथिंग है। राम झूला 900 मीटर है यहाँ से, लक्ष्मण झूला 3 किलोमीटर। लक्ष्मण झूला फिलहाल कंस्ट्रक्शन के कारण अभी बंद है। पूरा कवर है, दोनों साइड से पूरा कवर कर रखा है। पैदल और बाइक और स्कूटी के लिए दोनों के लिए अलग अलग रास्ते बनाए हुए हैं। हल्दी कुटने आता वीडियो बनाने तो ही बताई है ना, लाइटिंग वगैरह बढ़िया है पर अभी हम गाजियाबाद क्रॉस कर रहे हैं और रोड काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, यहाँ से लाइटनिंग वगैरह सही है, बढ़िया है सब कुछ। 15 दिन उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ना तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।